टिकटॉक बंद हो गया है और किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, क्योंकि आपकी टिकटॉक से ही इनकम हो रही थी? या टिकटॉक ही सब कुछ इनकम उसी से हो रही थी, और अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया कौन से ऐप पे हम जा रहे हैं। कोई इंडिया का प्लेटफॉर्म अच्छा टिकटॉक जैसा ही आएगा, जैसे टिकटॉक में हमें बहुत ऊंचाइयों तक दिया है, वैसे कोई इंडिया का ऐप आएगा तो उसी को ज्वाइन करूँगा। तो ये जो ऐप बंद हुआ है, क्या कहेंगे ये चाइना का ऐप था और हम चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं। चाइना ने जो किया जो, तो इसके हम बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए चाइना टिकटॉक जैसे हजार ऐप अपने देश के नाम कुर्बान कर रहे हैं। बैन लगा दी है, अब आप लोग की जो फॉलोवर है, अब आप लोग किस तरह बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, क्या मैनेज करेंगे? देखिए अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कोई इंडिया का ऐप आए, जिससे हम जैसे टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे वैसे हम दूसरे ऐप पे इंडिया के ऐप पे जो है वीडियो बनाएंगे अपने कंटेंट, जैसे या किस टाइप के जो भी हम आई एम इमरान आप में लुक लाइक तो उनकी कॉपी करते हैं, तो वैसे ही कंटेंट लोग पसंद करते हैं। ऑडियंस ही बनाया था टिकटॉक को भी, इंडिया की ऑडियंस ही बनाया था, इसलिए आज टिकटॉक नंबर वन प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान के आ रहा है। तो इंडिया के ऑडियंस ने ही बनाया है, तो अदर ऐप को भी बनाएगा वो जो हमारे इंडिया का ऐप होगा, हमारा इंडिया का ऐप आगे जाएगा। तो आपको कितने फॉलोवर हैं? मैं टिकटॉक पे 2.2 मिलियन फॉलोवर हैं, मतलब कि 22 लाख। अगर ये ऐप बंद हो जाएगा तो आपके फॉलोवर मायूस हो जाएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं है, जहाँ तक कि सरकार का जो फैसला है वो अच्छा है और सबको इससे सहमत होना चाहिए, और हमारे अंदर टैलेंट है, हमारा कंटेंट है और आप देखने वाले हमें सपोर्ट करने वाले हो, तो हम अदर ऐप पे भी ऐसे ही कंटेंट और वीडियोस देंगे, आप वहाँ भी हमें ज्वाइन करें, ऐसे ही प्यार दें जैसे यहाँ टिकटॉक पे देते आए हैं, और टिकटॉक के यहाँ तक पहुँचाने वाले आप लोग ही हैं, और आप लोग आप अपने इंडिया के ऐप को ही इतने आगे तक पहुँचा सकते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मसूद अहमद है, आई एम लुक लाइक इमरान आसमी फ्रॉम इलाहाबाद।